हेलो एवरीवन, आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन में, दो नेम रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन और होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का अध्ययन करें। ये दोनों ही नेम रिएक्शन कंपटीशन एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपन पहले पढ़ते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन है, देखो एमीन इसका मतलब है 1 डिग्री एमीन, वो एलिफेटिक भी हो सकती है और कौन सी एरोमेटिक। एमीन कौन सी डिग्री? 1 डिग्री। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री एमीन के टेस्ट या परीक्षण में यूज में आती है। 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक, इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में संपन्न करवाते हैं। अब जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें 3 एसिडिक प्रोटॉन हैं, 2 तो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट और 1 कार्बन पर। ये प्रोटॉन हैं वो एसिडिक, तो 3 एसिडिक प्रोटॉन हैं। एसिड को पिकअप कौन करता है? बेस, तो 3 OH, तो 3H2, 3K और 3Cl, 3KCl, तो बताओ बच्चा क्या? CH3N और ये क्या? C। इसका मतलब प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना? आइसोसाइनाइड, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब है कि यही इसी तरह बताओ ये तीनों क्लोरीन किसके साथ? 3K के साथ। 3OH हैं, 3 प्रोटॉन, 1 ये, 2 ये, 3H2, बताओ बचा क्या? CH3N और ये क्या बचा? C, आइसोसाइन। इसका मतलब कार्बिल एमीन रिएक्शन में 1 डिग्री एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया बेसिक मीडियम में करवाई जाए तो आइसोसाइनाइड बनता है। इस रिएक्शन में यही चीज़ ध्यान रखने की है कि बेस कितने मोल लिए? 3 मोल। प्रोटॉन कितने थे? 3। इसका मतलब ये जो बेस है वो प्रोटॉन को पिकअप करेगा और H2 निकल जाएगा, और 3 क्या निकलेंगे? KCl। अपन मैकेनिज्म से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है उसमें क्लोरोफॉर्म और रिएजेंट के रूप में अपन ने क्या लिया था? KOH। ये दोनों रिएक्शन करेंगे। KOH बेस है, ये प्रोटॉन, इस OH ने इस प्रोटॉन को पिकअप किया, क्या निकल गया? H2। ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गए? कार्बन पर। अब इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया, तो इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, K पर पॉजिटिव। अब है ध्यान से सुनना, आपको ये पता है कि हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ही कम हो गई, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली है, या ये कह दूं कि ये Cl है, इजीली रिमूव हो जाएगा क्लोराइड आयन के रूप में। क्लोराइड आयन और KCl। अब ध्यान से सुनना, इस क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका लिया? कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई? 1 की। और पहले कार्बन के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए थे? 1। तो अब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बट न्यूट्रल है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अर्थात इसका सेंट्रल एटम क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का।
कौन सा सिस्टम है? सिक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइक्लोरोकार्बन। अब कई बार ऐसा हो सकता है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्या हो सकता है? आयोडीन। तो अब इनमें कह दिया जाए कि कौन इजीली रिमूव होगा, तो बताओ कौन होगा? आयोडीन। और यहाँ कौन होगा? सीएल और बीआर। तो यहाँ कौन आ जाएगा? बीआर। ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन की एग्जाम। अब स्टेप सेकंड है, उसमें क्या होता है ध्यान से सुनो। ये स्टेप फर्स्ट, अब स्टेप अपन कौन सी पढ़ेंगे? सेकंड। इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप। अब इलेक्ट्रोफाइल और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगी। बॉन्ड बनाने के कारण एक ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास किसका आया? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने मीडियम कौन सा लिया है? KOH का एक मोल तो यहाँ यूज में ले लिया। अब दूसरा मोल OH इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, क्या निकल जाएगा? H2O। अब ध्यान से सुनो, इस प्रोटॉन पिकअप किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ से कौन निकल जाएगा? Cl। एक तरह से ये कह दूँ कि बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन टाइप की रिएक्शन हो गई। तो H2O, ये Cl था और ये K था, KCl। अब बताओ इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब ध्यान से सुनना, चार्ज वही है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, दोनों पर समान रूप से क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। अब है फिर से KOH का तीसरा मोल लेंगी, यहाँ से H और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, और Cl, KCl और OH और OH का हो गए H2। तो बताओ CH3N और C के बीच में कितने बॉन्ड आ गए? 3 येलो। या तो इस तरह से कर सकते हो, या ऐसे से कर सकते हो, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, C पर कौन सा? नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। या ये दोनों चार्ज यूज में नहीं लो तो इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में शो कर दो कि इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसको? कार्बन को। आ गई चीज। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन बनता है, उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किसका होता है? एमीन का होता है। उसके बाद में दो बार बीटा इलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है? आइसोसाइन। नेक्स्ट, होपमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यही वही बात, 1 डिग्री एलिफिटिक और एरोमेटिक एमीन के टेस्ट में इसको यूज में लिया जा सकता है। इसमें प्रोडक्ट है वो याद रखना एरिल हो सकता है या एल्किल, एल्किल या एरिल, आइसोथायोसाइनेट। तो ध्यान से सुनना, आइसो का मतलब क्या? आर, ये आइसोसाइनेट ही था। आइसो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ये हटा दिया मैंने, और क्या हो गया? साइनेट हो गया। ये तो आइसो क्या हो गया? साइनेट। यदि ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं तो क्या हो गया? आइसो थायो साइनेट। ध्यान रखना ये चीज, आर की जगह एलिफेटिक या एरोमेटिक हो तो ए आर। अब है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें ये कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव करेंगे? सल्फर की ओर। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसके कारण ऐसा होगा। यदि कार्बन की ओर मूव करे तो कार्बन के पास केवल पी ऑर्बिटल है जिसमें रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट होंगे?
सल्फर की ओर। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, सल्फर पर पार्शियली नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, अटैक करेगा तो इस एन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं लिख दूँ सी एस थ्री एन, ये एच सी, ये डबल बॉन्ड एस एच जी टी लिख दिया, ये एस नेगेटिव, ये एस नेगेटिव है, यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा। इसका मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो गया, नाइट्रोजन से किधर हो गया, सल्फर हो गया, मतलब प्रोडक्ट यही बना गया, हो गया। इसका मतलब यहाँ ये हाइड्रोजन नहीं है। अब दूसरा, जब इसकी रिएक्शन एच जी सी एल टू, या एक कई बार ऑप्शन ये भी आ सकता है एच जी एन ओ थ्री, इनकी प्रजेंस हो तो यहाँ से एच टू गैस का एलिमिनेशन हो जाता है। एक तरह से ये भी बिटा एलिमिनेशन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर और यहाँ से एस एच, एस एच पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव इस प्रोटोन को पिकअप कर लेगा। अब बनना क्या है, एच टू एस, ध्यान से सुनना, एच ये एस, एच टू एस प्लस क्या है, एच जी सी एल टू। ये जो मरकरी है इस सल्फर को अब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक ब्लैक पीपीटी बनेगी, और एच सी एल और एच सी एल, तो इसका मतलब दो मोल एच सी एल और क्या बन गया, एच जी एस। इसका मतलब पहले कौन सी गैस का एलिमिनेशन होता है, एच टू एस गैस का, और एच टू एस गैस जब एलिमिनेट होती है उसी टाइम अपन मर्क्यूरी क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट मिला दें तो एच जी एस या एच जी टू एस का निर्माण होगा, जो पीपीटी के रूप में होगा। आपको भी पता है सल्फाइड और ऑक्साइड हैं वो पीपीटी के रूप में प्राप्त होते हैं अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब इसके ऊपर ये एरो लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1 डिग्री एमिन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये प्रोटॉन सल्फर पर चला जाएगा और ये नाइट्रोजन है कार्बन से जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट है। जब एच जी सी एल टू या एच जी एन ओ थ्री से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एच टू एस गैस है वो इलिमिनेट हो जाएगी, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड सल्फर थाई। नाम क्या है, देखो आइसो थायो साइनेट, तो मेथिल आइसो थायो साइनेट, ये इस तरह मैंने दिखा रखा। अब है कि यदि एरोमेटिक अपन 1 डिग्री एमीन लें तो यहाँ से एच टू एस गैस का एलिमिनेशन होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, और एच टू एस गैस का एलिमिनेशन हो गया तो अब बताओ मैं इसको एलिमिनेट कर दूँ तो क्या बना, सी एस थ्री एन एच, सी एस थ्री एन एच और कार्बन डबल बॉन्ड एस, तो ये थायो यूरिया टाइप का हो गया। अब यहाँ से वही बात, ये हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ से, ये एक क्या बन गया एनिलीन, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा, और क्या बना एनिलीन। ये ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन यदि कार्बन डाई एलिफेटिक हो चाहिए 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है वो उससे रिएक्शन करके पहले अपना क्या बनाएगा, थायो यूरिया टाइप का बनाएगा और फिर उसके बाद में आइसो थायो साइनेट बनेगा, उसके साथ साथ एक सब प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनेगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब हाफ ऑन मस्टर्ड ऑयल है, इसका नाम होपमान एक साइंटिस्ट था, मस्टर्ड ऑयल का मतलब एक सरस का जो तेल होता है उस टाइप की एक तीखी स्मेल आती है, जिसके कारण इस रिएक्शन का नाम हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन रखा गया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड यूज में लेते हैं। इस रिएक्शन में आपको कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।